Hello everyone, I am Dr. Jagdish Gupta. I have done BHMS. I am a classical homeopath and a psychological counselor. आज हम आपसे बात करेंगे पाइल्स के बारे में. पाइल्स विच इज कॉल्ड एज हेमोराइड्स, जिसे हिंदी में हम बवासीर बोलते हैं. ये आज के डेट में बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है और ये बहुत लोगों को हो गई है. देयर इज अ स्वेलिंग एट द रेक्टम पार्ट एंड इन्फ्लेमेशन एट द रेक्टम पार्ट. समटाइम्स इट इज पेनफुल, नंबर ऑफ टाइम इट इज नॉट पेनफुल. जनरली देखा गया है कि पाइल्स के साथ में आपको फिशर भी होता है. एनस वाले पार्ट्स पे आपको कट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है. पाइल्स बहुत तरह का होता है, इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स, प्रोट्रूडिंग पाइल्स, ब्लाइंड पाइल्स. अगर आप आगे डिवाइडेशन करें, ब्लीडिंग पाइल्स, ट्राई पाइल्स. जब एक लम्ब की तरह से बाहर निकल जाता है जिसमें प्रोट्रूडिंग पाइल्स होती है, वहाँ पे आपके एनस के पार्ट में मस्से की तरह बन जाता है. वहाँ पे एक लम्ब की तरह आपको फील होता है. जब भी आप वॉश करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको लम्ब फील होता है, क्योंकि वॉश करते हुए एक बहुत ही ईचिंग और पेनफुल कंडीशन होती है जिसको टच करने से कई बार ब्लीडिंग भी आ जाती है. तो दिस इज़ ए वेरी कॉमन कंडीशन. अगर आप एक होलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जनरली आपको ऑपरेशन की सलाह देते हैं. देखा गया है कि ऑपरेशन होने के बाद भी ये ठीक नहीं होता है, बिकॉज द कॉज ऑफ द पाइल्स इज प्रेजेंट. जो कॉज है आपका पाइल्स का, जिसकी वजह से आपको पाइल्स हुआ है, वो अभी अंदर आपके मौजूद है. वो कॉज ख़त्म नहीं हुआ, सिंपली दे हैव डन द ऑपरेशन. और 4 महीने 3 महीने 6 महीने आप ऑपरेशन के बाद ठीक रहते हैं, उसके बाद आपकी कंडीशन पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाती है. इन होम्योपैथी इट्स ट्रीटेबल. एक बार ठीक होने के बाद जनरली देखा गया दोबारा नहीं होता है. तो कॉमन कॉजेज ऑफ पाइल्स जनरली लैक ऑफ एक्सरसाइज, ज़्यादा देर तक बैठे रहना, एक्सरसाइज ना करना, एल्कोहल कंजप्शन, ओबेसिटी, ईटिंग लॉट ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, स्पाइसी फूड, नॉन वेज, एंड लास्ट कॉज इज अ कॉन्स्टिपेशन एंड प्रेगनेंसी. दोस्तों, अगर आपको किसी को भी पाइल्स हो गया है, प्लीज़ आप ऑपरेशन नहीं कराइए. यू कंसल्ट टू अ होम्योपैथ डॉक्टर, वट एवर द नियर बाई, जो भी आपके नियर बाय हो. ट्राई टू सर्च अ क्लासिकल होम्योपैथ, दिस इज ए पार्ट ऑफ होम्योपैथी. जो क्लासिकल होम्योपैथ होते हैं, दे जनरली फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी. जो डॉक्टर अच्छा सुलझा हुआ डॉक्टर है, जो प्रिंसिपल्स होम्योपैथी को फॉलो कर रहा है, कोई आपको ठीक कर पाएगा, अच्छे से ठीक कर पाएगा. तो दोस्तों, पाइल्स के मेरे पास बहुत सारे केसेस ठीक हुए हैं. जनरली आपको जो पेन है, एक हफ्ते में आपको पेन में रिलीफ आ जाता है. जो ब्लड आ रहा होता है, ब्लड में किसी को 2 दिन में, किसी को 4 दिन में, मैक्सिमम 1 वीक और 10 डेज में आपको ब्लड बंद हो जाता है. और ये जनरली 4 से 6 महीने का प्रोसीजर होता है. अगर आपको बहुत ज़्यादा पुराना पाइल्स है तो इट कैन टेक मोर टाइम, बट इट्स ट्रीटेबल, 100% ट्रीटेबल. तो प्लीज़ डोंट गो फॉर एन ऑपरेशन. थैंक यू वेरी मच.